जो कैसरबाद की इंडस्ट्री से बात हुई है, जिस तरह उन्होंने अपनी इंडस्ट्री की सूरत हाल बताई है, तो बहुत अफसोसनाक है। यानी जो आपके बैकबोन है, जो आपकी इकॉनमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और खासकर फैसलाबाद जो है ना, ये इंडस्ट्रियल शहर है, अगर यहाँ के ताजर इतने परेशान हैं और इसकी इतनी हालत है, तो मैं नहीं समझता कि पंजाब हुकूमत जो बड़े बड़े दावे कर रही है, वो दावे जो है ना आए प्रैक्टिकली देखे मीडिया, ये जो 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 लोगों ने बातें की है, ये तो किसी तरीके साहब की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मुख्तलिफ इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये तो न्यूट्रल लोग हैं, ये तो मतलब इसका किसी सियासी पार्टी के ताल्लुक नहीं है। अगर इनका इतना रोना धोना है, इतनी परेशानी है, और ये समझते हैं कि इंडस्ट्री जो है बिल्कुल जबूबाली का शिकार है और किसी वक्त ये कोलैप्स कर सकती है, तो आप अगर फैसलाबाद जैसा शहर, सियालकोट जैसा शहर, जो हमारी इकोनॉमी और कराची, अगर ये इसमें हमारे ताजर इतने परेशान है और इसके साथ ही रवैया रखा जा रहा है, और इनके ऊपर जो है ना बगैर इनके मशावरत से उनके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, इनके साथ मशावरत नहीं हो रही है, और एक मखसूस लाबी सिर्फ अपने बिजनेस और कारोबार को दवाम देने के लिए वो पॉलिसी बनाए, तो ये बहुत अफसोस है। मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ इमरान खान का नुमाइंदा होकर आया हूँ, फैसलाबाद शहर ने बल्कि फैसलाबाद डिवीजन ने तरीके साहब को मैंडेट दिया है, एमएनए साहिबान बैठे हैं, एमपीए साहिबान बैठे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी जो इश्यूज है, इंशाल्लाह बजट इतना सारा है, हम इसको प्रॉपरली टेकअप करेंगे। आपसे पहले हमारी एक मुलाकात हुई हमारे लायर बरादरी से, हमने यहाँ वहाँ बात की कानून और आइन की, और इसके बाद हमारे किसानों से भी चीज हुई। अच्छा ये बताया, जो किसान इस वक्त रुल रहे हैं, जो उसके गंदम के साथ जो फ्रॉड किया गया है, और फिर जो जिस तरह उनकी तस्दीक की जा रही है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो है ना पॉइंट स्कोरिंग हो रही है कि ये क्या ठेकर हुकूमत ने किया, ये कौन किया, तो आपको मैं यकीन दिलाने चाहता देता हूँ, इंशाल्लाह ताला इस इशू को हम मरने नहीं देंगे, ये किसान के एक एक पाई का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। सर इनकी जो इश्यूज है हाउस में भी करेंगे, और हमने फैसला किया है कि इंशाल्लाह थर्सडे या जुमे को इंशाल्लाह हम धरना भी देंगे पार्लियामेंट में किसानों के हक में, और खासकर जो हमारे गन्ने के काश्तकार है उनकी जो परेशानियां इश्यूज है उसको भी उठाएंगे। मैं सिर्फ इस मौके पे सूबाई हुकूमत का इस रवैये की भरपूर मजम्मत करता हूँ, जिस तरह वो हमारे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे शायद हम इस पर की शहरी ना हो, हम कोई बाहर से लोग आए हैं। भाई हमारे आईनी हकूक है, हम कानून और आईन के अंदर रहते हुए सरगर्मी कर रहे हैं, हमने क्या कहा, हम लायर से मिले, हम यहाँ बिजनेस कम्युनिटी से मिले, हम कश्तकारों को मिले, क्या गुनाह है, क्या आईन और कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आईजीपी पंजाब से कि किस कानून के तहत आप इधर आते हो, लोगों को जो दबाते हैं, मैं डीआईजी से पूछता हूँ, मैं उसकी डीपीओ से पूछता हूँ, और जो जो नाम है एक एक का नाम इंशाल्लाह ताला नेशनल असेंबली में लेंगे, और आप याद रखें ये सारा उम्र एक जैसा नहीं होता, आप सरकारी मुलाजिम है, आप किसी के जाति मुलाजिम नहीं है, अगर जाति मुलाजिम रहे तो वादा करता हूँ आपके साथ एक पठान की हैसियत से कि अगर आपने हमारे वर्कर के साथ ज्यादती की तो एक एक पाई का हिसाब तुमसे लेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। अच्छा ये जलसे के बारे में अभी हमारे बात हुई है, हमने फैसला ये किया है, लतीफ कोसा साहब को हमने जिम्मेदारी दी है कि वो रेड करेंगे, पूरे पाकिस्तान की जो पार्लियामेंटेरियन है वो एमएनएस है, सेनेटर्स है, पंजाब के एमपीए, केपीके के एमपीए है, और कराची से यहाँ तमाम पार्लियामेंट का मेला लगाएंगे, और ये जलसा हर सूरत में करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हमने फैसलाबाद के अवाम से एक मशावरत कर ली है, अपनी पार्टी से भी मशावरत कर दिए, आपको जो है ना ये जलसा में रकावट नहीं कर देंगे। जल्दी साहब बात करना चाहिए।